देख रहे हैं सच दर्शन। एक ऐसी डीडीए की मार्केट जो हादसों को दे रही है न्योता, जहां अगर इस जर्जर मार्केट में कोई हादसा हुआ तो कई सौ लोगों की जान तक जा सकती है, पर डीडीए पूरी तरह लापरवाह है। जहां डीडीए इस मार्केट की ना तो रिपेयरिंग ही करवा रहा है और ना ही मार्केट की दुकानों और ऑफिसों को खाली करवा रहा है, जहां आए दिन लोगों के दिलों में कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। जी हां, ये नज़ारा है पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके के ए ब्लॉक स्थित डीडीए की बहुमंजिला मार्केट का, जहां इस मार्केट के बिल्डिंग की खस्ता हालत से मार्केट के लोग परेशान हैं। जहां इस मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं और दूसरी मंजिलों पर ऑफिस भी हैं। वहीं मार्केट के लोगों को डर है कि मार्केट के बिल्डिंग की जर्जर हालत के चलते बड़ा हादसा न हो जाए, जिसके चलते यहां के दुकानदार समेत स्थानीय लोग भी कई बार डीडीए ऑफिस में जाकर शिकायत कर चुके हैं और कई शिकायतों के बाद भी डीडीए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अलबत्ता डीडीए ने मार्केट की दीवारों पर ये जरूर नोटिस चिपका दिया है कि छतें गिर रही हैं, इस मार्केट के गलियारों से ना गुजरे। ऐसे में मार्केट के लोग डरे और सहमे हैं। मेरा नाम गगनदीप है, एरिया A6 ब्लॉक पश्चिम विहार पड़ता है। डीडीए की मार्केट है, यहाँ पर बहुत ही आए दिन लेंटर गिरते रहते हैं और शटरिंग बहुत ही लो है। कई जगह कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर बिल्डिंग की हालत, हर जगह लेंटर डेली कहीं ना कहीं, कभी किस शॉप के यहाँ से गिरते, कभी किस शॉप, और हर जगह करीबन 10-15 शॉप के आगे लेंटर गिर चुके हैं और आगे भी गिरने की उम्मीद रेगुलर है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। रेगुलर कंप्लेंट हमारे जा रही है। जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हादसा तो हो चुके हैं लेकिन यह कोई हताश नहीं हुआ है। और जैसे कि मार्केट की हालत आप खुद देखिए क्या पोजीशन पड़ी इस वक्त। मेरा नाम गीत सेठी है, ये पश्चिम बिहार एरिया से बोल रहा हूँ, A6 से। ये डीडीए मार्केट LST की डीडीए मार्केट है, खेल के मैदान के साथ पड़ती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं उसे। इस मार्केट में अभी 2 साल पहले ऑक्शन भी हुई थी दुकानों की, उस तब भी कहा गया था ये दुकानें तब ठीक हो जाएंगी, मगर अभी भी कुछ दुकानें यहाँ पे डीडीए के पास ही हैं, कब्जा डीडीए के पास है और अभी तक वो दुकानें डीडीए ने अलॉट नहीं करी। तो ये डीडीए का फर्ज बनता है कि इन दुकानों की जल्दी से जल्दी रिपेयर कराए, क्योंकि ये डीडीए में अलॉट नहीं हो रखी है। और दूसरा, यहाँ के सारे लेंटर कमजोर हैं। मैं 2014 से लेटर लिख रहा हूँ डीडीए में वाइस चेयरमैन साहब को, मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। पश्चिम बिहार डीडीए अथॉरिटी बढ़ती है, उनको भी लेटर लिखा मगर उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले एक लेटर लिखा था, उसके रिप्लाई में उन्होंने ये पेपर चिपका के चले गए हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ से मत गुजरिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ न्यूज चैनल से कि इस रिपोर्ट को आगे पहुँचाएं और हमारे यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरा नाम हरजीत सिंह है जी, मेरी यहाँ पर शॉप है जी पोलिस पेयर, हमारे ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है, 3 बार गिर चुका है, सारा गिर चुका है, कई हादसे हुए हैं, सामने सीन देखते फोटो खींच लीजिए, और रिपेयरिंग कराया नहीं करा रहे, वो हम ठीक करा रहे हैं, तोड़ रहे हैं लेकिन हम ठीक नहीं कराएंगे। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये ऐसे कैसे कम चलेगा। हम डीडीए किराया देते हैं, सब चीज होस्टर देते हैं, ये डीडीए के बंदों ने कहा जो तोड़ गए उन बंदों डीडीए ने कहा है, ये कह रहे हैं हम तोड़ रहे हैं, ठीक हम नहीं कराएंगे, ये ठीक आप ही कराएंगे, वो ऐसे बोल रहे थे। एसके गालड़ा, मामला ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग बहुत पुरानी है, खस्ता बिल्डिंग है, जगह जगह गिरती है, कम्प्लेटे की बहुत की है, अभी यही कह रहा है 2 महीने हो जाएगी। फिलहाल मार्केट की जर्जर बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, ऐसे में ना तो इस बिल्डिंग की डीडीए द्वारा कभी रिपेयरिंग करवाई गई और ना ही यहाँ के लोगों ने बिल्डिंग के रखरखाव पर ही ध्यान दिया, जिसके चलते अभी बिल्डिंग जर्जर हालत में है और हादसों को न्योता दे रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।